ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। हैप्पी बर्थडे। आज तुम्हारी सालगिरह है, तुम भूल गए लेकिन मुझे याद। वाकई भूल गए। बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे। यहां से चाहे सिर्फ तुम्हें। डरता हूं कहीं तुम मुझे भी ना भूल जाओ। खैर चलो चलो चलते हैं, चल कर बात करते हैं। हाँ, तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि तुम साड़ी में। साड़ी? साड़ी ऑफ कोर्स। ठीक, चलो 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 चलो, जाओ रेडी हो जाओ। बहुत एंजॉय कर। ये सब किससे करवाया है? ये बंदा सामने हाजिर है। अच्छा, मेरे सवाल छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहना चाह रही थी। देखो, आज बहुत अच्छा मौका है यार। तुम है, समंदर है, हमारे इर्द गिर्द और कोई भी नहीं। सो जो कहना है खुल कर कहो, मैं बहुत गौर से सुनूंगा। मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ बहुत दिनों के बाद, और मैं चाहूंगी कि इस ख्वाब को हम चलने दें, तो इसलिए प्लीज इसको टोको मत। बिल्कुल ठीक है, जैसा आपका हुक्म। अच्छा लगा ना? बहुत खूबसूरत। हाँ, बाहर से होकर आए हो तुम। गुड, वेरी गुड। ऐसे ही दिल घबरा रहा था। अस्मा, सॉरी। क्या हाल बना लिया है अपना? कितना थक गई हो? तुमने तो बिल्कुल उलझा लिया है अपने आप को आबान के कामों में। ख्याल रखा करो अपना। आ बैठो, अबान को भी ले आओ। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कमरे में जाऊंगी। ठहरो, क्या हुआ दिल को? वो कहना चाह रही है कि वो आपके बेटे अबान के साथ नहीं बैठना चाहती है। अबान कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, कितनी खिदमत करती है, बदतमीजी मत क्या करो। कुछ खाया? बस खाऊंगी अभी थोड़ी देर में। जूस पियोगी? गेती, मैम के लिए जूस लाओ। फ्रूट खाया करो, अच्छी हेल्दी चीजें खाया करो।
गुस्सा होने का। आदिल तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बस वो ऐसे ही गुजर रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिलता हुआ चला जाऊं। कौन है? मैं अस्मा का भाई आदिल। अरे पानी गिर गया, सो सॉरी। अस्मा क्या कर रही हो? ये तुम्हारे करने के काम तो नहीं है, छोड़ दो, गेती करेगी। नहीं, क्यों गेती? क्यों, अस्मा ही करेगी। आवान गेती साफ करो, उठो अस्मा उठो, जाओ तुम आदिल को अपने कमरे में ले जाओ। क्या आराम से बैठकर बात करो, इसका तो ये सब चलता रहेगा। चले कह रहा था, वहीं बैठता ना सबके बीच में मुनासिब ही लगता है। अबान भाई नए लोगों के सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए ठीक है मैम, समझ गया। चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं, तुम बैठो आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सही है, तुम ऐसे थक जाते हो नजर आ रहा। सुनो, वैसे मुझसे कभी किसी ने जिक्र नहीं किया इंसाफ का, कब से साल में? काफी साल से, मेरी शादी होने से पहले से। तो कौन संभालता है? यही मुलाजिम रखते हैं ख्याल। मुलाजिम तो है, खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर, इंसान को जिंदगी में और क्या चाहिए? और रोमान? रोमान की वजह से ही तो ये सब कुछ है। ख्याल रखता है तुम्हारा? तो मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? भाई हूं ना तुम्हारा, इसलिए पूछ रहा। मुझे पता है तुम अबान भाई की कंडीशन देके परेशान हो रहे हो ना। आदिल वो ऐसे ही है। और मुझे एक बात बताओ कि एक बीमार इंसान और कैसा होगा? पूरा पूरा दिन वो व्हीलचेयर पर होते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, और अगर मैं उनका थोड़ा ख्याल रख भी लूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम इतना ख्याल करती हो अपने ससुराल वालों का। मामू जान की तबीयत नजर आती है ना, तो बहुत अच्छी बात। अबू जी ने मुझे और यास्मीन को वही सिखाया है जो हर अच्छा बाप अपनी बेटी को सिखाता है। अगर यास्मीन बहुत परेशान रहती है तुम्हारे लिए, कहती है कि ख्वाब में मामू जान आते हैं और वो भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उसको तो छोड़ो, उसको तो आदत है मेरी फिक्र करने की। वो खुद क्यों नहीं आई मुझसे मिलने के लिए? आसान है तुम्हारे घर आना, तुम्हारे ससुराल वालों के सामने आना, इतने अमीर लोग हैं, गरीब लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ करना। लेकिन अच्छा हो गया ना मैं मिल लिया, मुझे तसल्ली होगी, मैं जाके उसे बता दूंगा। और पता है क्या, मुझे ऐसे भी लगता है कि वो बेचारी
इतनी परेशान है अपनी जिंदगी में कि उनको हर चीज ही परेशान कर देती है, और मैं भी कुछ कर नहीं पाता उनके लिए। तुमने बात की थी उनसे? कौन सी बात? क्या जरूरत थी उसके कजिन के सामने ये सब बदतमीजी करने की? उसने मेरी इंसल्ट की है मामा। क्या इंसल्ट की उसने तुम्हारी? वो सारी दुनिया जानती है मेरा दायां हाथ काम नहीं करता, मुझे हैंडशेक के लिए वो हाथ आगे कर रहा है। क्या मतलब था इस बात का? पहली दफा मिला है वो तुमसे, उसे कैसे पता होगा आबान? पहली दफा मैं ही आपने उसको के रूम में भेजती है तो और मैं क्या करती? उसके सामने तुम अस्मा को कुछ उल्टा सीधा कह देते तो? मैं नहीं डरता हूं, ये कीड़े मकौड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुनते तो सुन ले। कुछ बिगाड़ नहीं सकते लेकिन अस्मा को हमारे खिलाफ वरगला तो सकते हैं। अगर अस्मा कह देती कि जाओ, नहीं ख्याल रखती मैं अपने जेठ का, तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। घर पे कोई आया हुआ है क्या? बाहर बाइक किसकी खड़ी है? सर वो अस्मा बीबी से कोई मिलने आए। अस्मा से? सर चले मैं देख लेता हूँ, आप मेरा सामान ले आइए। थैंक यू सर। बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप लोग यहाँ क्यों हैं? अस्मा कहाँ है? ऊपर रूम में किसी के साथ। वो उसका कजन आया है क्या? लंबा सा आदिल ऊपर है अपने कमरे में, तुम जाओ मिल लो। अच्छा तो यहां बैठ जाते वो लोग, यहां क्यों नहीं बैठे? शायद वो आबान से नहीं मिलवाना चाह रही होगी। जाओ तुम मिल लो। जी I'm so 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 sorry आदिल, पता नहीं मेरे जहन से कैसे निकल गया। घर के कामों में मसरूफ रहती हूँ ना, तो पता ही नहीं चला। उफ, तुम इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों देती हो हर बात की? मैं समझ जाता हूँ, ये बात नहीं। तुम फिर से वही बात कर रहे हो। अच्छा सॉरी, लेकिन तुम उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। आज ही कर लूंगी, लेकिन एक बात बोलूं, वो नहीं मानेगी। इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है आदिल, लेकिन उसकी खुददारी उसको इजाजत नहीं देगी। और वो अब पहली वाली यास्मीन भी नहीं रही, दो बच्चों की माँ है। मैं भी तो पहले वाला आदिल नहीं रहा, तो मम्मी जान के डराने से डर जाऊंगा, किसी के ब्लैकमेल करने से डराने से अब नहीं डरूंगा। यास्मीन की जिम्मेदारी, दो बच्चियों की जिम्मेदारी है। मैं बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ उसको, बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी जिम्मेदार हूँ यास्मीन को इस हाल तक पहुँचाने के लिए। काश उस वक्त तुम्हें पता आज क्या दिन है? 4th February, अबूजी की बर्थडे।
रुमान जी, हो गई मुलाकात जी? आ बैठो। पहले भी आया है 2-4 बार। अच्छा लड़का है। अच्छा तो है, लेकिन मेरी मुलाकात ही नहीं हुई कभी उससे। जब भी आया ना किसी ने, आपने भी नहीं बताया मुझे। मैं क्या बताती, मैंने सोचा आसमा ने बताया होगा तुम्हें। कोई खास बात है? आसमा ने बताया था, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तो मेरे जहन से ही निकल गया। कुछ खाने का इंतजाम कर लेता अगर अभी पता होता। चाय पिलवाती हूँ जी। गेती, रोमान सर के लिए चाय लाओ। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने अरसे के बाद हमने इतनी सारी बातें की हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वो मान जाए। वो ना भी मानी तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मान जाएगी। अरे रोमान, आप कब आए? कब आए मतलब? अभी तो मिलकर आया तुमसे, है ना रोमान? नहीं मामा, वो दरअसल मैं गया था ऊपर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा होगा। मैं चलता हूँ फिर। रोमान, खाना। खाने का, खाना खा लो ना। नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। चलो। मैं छोड़ के आती हूँ। तो मुझे बताओ कि घर में सब कैसे चल रहा है? सभी में सब सही है? सबको मेरा सलाम देना। फिर कभी? यानी ये यहाँ आता जाता रहेगा? हानिया, हानिया, जल्दी आओ। ये कपड़े लो और ये ना अलमारी में रख देना, और ये वाले कपड़े ये गुड़िया के खाने में रख, कल भी तुमने गलत खाने में रख दिए थे, समझ आ रही? ये लो पकड़ो, और ये भी लेके जाओ, बस मैंने कर दिया। ये लो और सीखो इन चीजों को, ठीक है? जाओ गुड़िया को भेजो। गुड़िया, गुड़िया। आई मम्मा। होमवर्क किया तुमने? हाँ। ये क्या है? मैंने होमवर्क कर लिया तो मैं स्केच कर दी थी। अच्छा, ये लो। और नेमत खाने में भूत पड़ा हुआ है, वो फिर देना चाहते, ठीक है? चल। सॉरी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। अस्मा के घर गया था मैं। ठीक थी वो? वैसे तो वो ठीक लग रही थी, लेकिन जाहिर मुझे लगा कि शायद थोड़ी परेशान है। क्यों, कुछ कहा उसने? कहेगी कहाँ, आप ही की बहन है, मुझसे कहाँ शेयर करेगी। लेकिन फिर भी आप एक दफा बात कर लीजिए, हो सकता है अगर कोई बात हो तो आपसे शेयर कर लें। आदिल, कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा आपसे। हो सकता है मेरा वहम हो, मुझे ऐसी लगा हो। आप एक दफा बात कर लीजिएगा, अगर कोई बात हुई तो वो आपसे शेयर कर लूंगी। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। रामिस। रोमान यार, वो जो ईमेल्स कल फॉरवर्ड करनी थी ना, वो आज ही कर दो। उनकी प्रेजेंटेशन पे मैं आज काम कर लूंगा।
नहीं नहीं नहीं, वक्त तो बहुत है मेरे पास। हाँ एक मिनट होल्ड करना जी। ये फूल? हाँ फूल क्या हुआ इन्हें? तुम लेके आए थे? जी जी मैं लेकर आया हूँ, आगे बोलो क्या मसला है? बहुत खूबसूरत है। अच्छा थैंक यू। हाँ रामिस बहुत प्यार करता हूँ तुम लोगों से, मैं जानता हूँ यास्मीन की और मेरी लड़ाई में मेरा रवैया तुम लोग के साथ ठीक नहीं था, और मैं ये भी जानता हूँ तुम लोग की माँ ने ना मेरे बारे में तुम लोग के दिल में बहुत जहर भर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ बेटा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम दोनों से, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है माँ बाप की लड़ाई में ना बच्चे पिस जाते हैं, तुम लोग कोई कसूर नहीं, माफ कर दो मुझे, ठीक है? चलो आगे। अब्बू मैं आपके साथ वहाँ पे वापस नहीं जाना। नहीं बेटा मुझे भी नहीं जाना, मुझे अम्मी के पास जाना है। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो बेटा, अगर मेरे साथ नहीं जाओगी ना तो जा दफा हो फिर तुम दोनों यहाँ से। कोई बात नहीं मेरा मकसद तो पूरा हो गया यास्मीन, अब तुम्हें खबर पहुंचेगी ना तो तुम्हारी भी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। कहां रह गई कुलसुम, कहां भी था, तीन सूट पहले सी लेना। आ जाएगी वो भी, दो घड़ी मेरे साथ भी बैठ जा, मुझे भी कोई वक्त दे दे। वक्त ही तो नहीं है, उसे अब तक काम निपटा लेना चाहिए था। उसे अपने सैर सपाटों से फुर्सत मिले तो काम करे ना, पता नहीं सुबह की कहाँ निकली भी। लेकिन उसने तो मुझसे वादा किया था। ऐसे वादे तो वो करती रहती है लेकिन पूरे नहीं करती, तूने ऐसी उसे काम देके अपनी जान फंसाई। मैंने तो हमदर्दी में अपना गला फंसा दिया। सुने तू उसे अपना कमरा किराए पे दे रही? अरे वो तो उसे ऐसे ही पूछा था, तो मैंने कहा मेरा स्टोर बना हुआ है ऊपर, अगर वो आ जाए तो हर्ज क्या है। ऐसे तो किसी के काम आने वाली, तुझे पता है हमदर्दी तो तू कर रही है लेकिन कभी सोचा कि घर में उधम क्या मचेगा? शैतान की पुड़ियां हैं वो बच्चियां, हर वक्त उछल कूद उछल कूद, ये मैं ही हूँ जो बर्दाश्त कर रही हूँ। और दूसरी बात, खाने पीने की तो तौबा तौबा, ऐसी लालची है कि मैं बता नहीं सकती, हर वक्त मुंह फ्रिज में, पेट है के कुआं। अब बाप की लालच तो विरासत में मिलेगी ना। इतनी मुंह की ना दीदी, कह तो रही हूँ ये मेरा ही जर्फ है जो झेल रही हूँ। अच्छा किया कुलसुम, वैसे तुमने मुझे बता दिया, तुम्हारी भतीजी है, यूं दर बदर भटकने के लिए ना छोड़ो उसे, उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? अब रखा तो हुआ है, अब क्या करूँ, सर पे बिठा लूँ? मेरा मतलब है आदिल तुम्हारा इकलौता बेटा है, खाता कमाता है, तुम उसे अपनी बहू क्यों नहीं बना लेती? दिमाग सही है तेरा? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था हमदर्दी में, तुम तो बुराई मान गई। अपनी हमदर्दी अपने पास रख, मेरा ही बेटा बचा दूसरों की बच्चियां पालने के लिए, यही सोच रही है ना कि मैं बहुत जालिम हूँ? इतनी जालिम नहीं हूँ मैं, अकेली होती तो मैं सोच भी लेती, लेकिन इन चुड़ैलों के होते हुए मेरी तौबा 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 नामुमकिन है। कल को बनेंगी तो अपने बाप की ना। अस्सलाम वालेकुम खाला। अपना सलाम तुम अपने पास रखो, तुम्हें कहाँ भी था कि मेरे कपड़े तैयार कर देना, मीरपुर खास भिजवाने थे मुझे अपनी भतीजी को। खाला एक छोटा सा काम आ गया था बस, वही निपटा के आ रही थी, आप थोड़ी देर दें मैं अभी आपका काम कर देती हूँ। रहने दो, जबान देकर मुकरने वालों पर मुझे कोई एतबार नहीं है, मेरी सिलाई मशीन मुझे वापस कर दो, और हाँ वो जो मेरे कपड़े अनसिले रखे हुए ना वो भी दे दो, मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम दिलवाया। और हाँ बीबी, वो जो मेरा कमरा था ना वो मैंने किराए पे चढ़ा दिया है, तुम अपना और के बंदोबस्त कर लेना, मेरे कपड़े भी भिजवा देना, मीरपुर खास भिजवाने थे, इस लड़की ने तो नाक ही कटवा दी, कहीं का नहीं छोड़ा, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें, समझ में नहीं आती।
क्या कर रहे थे? क्या वो नाराज हो? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आदिल का आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा वो नहीं आए यहाँ। तुम क्या साबित करना चाह रही हो? मैं बहुत बुरा शोहर हूँ जिसने तुम्हें बंदिशों में रखा हुआ है, किसी से मिलने नहीं देता। क्या हो गया रोमान, तुम्हारा रवैया कल से अजीब सा है। देखो, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। यूं बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाद में कॉल कर। सर, सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बाहर कोई बंदा आया हुआ है और सर अजीब लीचर सा आदमी है, बार बार कह रहा है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंने बोला था कि मैं सर से पूछ के बताता हूँ आपको। अब मैं आ गया हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है ना भाई। यावर, यावर, आप अपने केबिन में जाइए। हाँ जी सर, एक मिनट। जी जी, चाय, समोसे और पेस्ट्री। थैंक यू। गरीब रिश्तेदारों का यही मसला है, किसी को समझ ही नहीं आती, कोई मानता ही नहीं कि हम रिश्तेदार हैं। बड़ी बेइज्जती होती है भाई। कैसे हैं आप? ये ले बेटा, थोड़ा फल खा ले। बड़ी फिक्र होती है मुझे, बहुत कमजोर हो गया। मम्मी जी, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी खाने। क्या मतलब दिल नहीं कर रहा? माँ कह रही है इतने प्यार से लाई है तो मेरा दिल रखने के लिए खा ले। खा ले तो बच्चियों को भी बोलता हूँ साथ खा ले। हानिया, गुड़िया, जल्दी से आ जाओ। हानिया, गुड़िया। बेटा कुछ तमीज है कि नहीं? बिल्कुल। और ये क्या अंकल लगाया हुआ है? अंग्रेज क्यों लाते हो? मामू कहा करो। अम्मी जी, क्या हो गया है? बच्चियां हैं, क्यों डांट रही हैं? अच्छा बेटा, ये देखो नानी अम्मा क्या लेकर आई है आपके लिए। ये नहीं है, ये आप लोग के लिए। इस घर में सब रहते हैं, उसमें हमारा तुम्हारा तो नहीं होता ना, सबका होता है। मुझे नहीं खाना। अरे गुड़िया, हानिया कहाँ जा रहे हो बेटा? आप नहीं खा रही तो रहने दे ना, वो तो है ही ना शुक्रिया। अब तू कहाँ जा रहे? तू तो खा ले बेटा, ऐसे खुदा की नेमतों से मुंह नहीं फेरा करते। नेमतों को मिल बांट करना खाया जाए ना मुझे, अल्लाह से अपनी बरकत भी उठा ले। मुझे आप खा ले। यहाँ तो बड़ी तेज धूप है। डॉक्टर ने कहा है कि धूप में आने से विटामिन डी मिलता है। अगर तुम रोज इसी तरह मेरे साथ धूप में आए, तुम्हारा तो ये खूबसूरत रंग जल जाएगा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फिक्र नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा तुम्हारी फिक्र? मेरे घर वाले हैं मेरी फिक्र करने के लिए, खास करके रोमान। अभी तक तुमने ये खुशफहमी पा ली थी। तुम्हारे घर वालों के लिए तुम कितनी अहम हो ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा अब तक। मतलब? एक पैसे वाले घर में तुम्हारी शादी हो गई, कहां से उठ के इस बड़े मकान में आ गई, जिम्मेदारी खत्म। अबान भाई, हर कोई आपकी तरह खुदगर्ज नहीं होता। है ना, जैसे तुम। मगर अफसोस, रोमान को कदर नहीं है तुम्हारी। गलत फहमी है आपकी। अच्छा, जो आदमी तुम पे भरोसा नहीं करता
उससे मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठी हो। जा रही है। एक बात बोलूं अबान भाई, मुझे कभी कभार लगता है कि आपको अपने बीमार जिस्म से ज्यादा बीमार जहन का इलाज करवाने की जरूरत है। तुम चिढ़ क्यों जाती हो मेरी सच्ची बातों से? हाँ मेरी बातें थोड़ी डिप्रेसिंग हो सकती हैं। पता है जब इंसान अपनी पूरी जवानी में होता है और पूरी ताकत में होता है ना, तो उसको अपने और इस दुनिया के बारे में बड़ी गलत फहमियां हो जाती हैं। ये बात मैंने अपनी सेहत गवा के सीखी है, और जब यह जितना हकीकत पसंद हो गया। लेकिन ये तो मान का रवैया तुम्हारे कजन के साथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया भाई। पहली दफा तुम्हारा कोई कजन हमारे घर आया हो, मतलब कहने का मतलब है जैसे पहली बार तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया है, मतलब बीवी का मेहमान आया है। रुमान ने जो किया वो ठीक किया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। तो क्या पता रुमान को शिकायत हो तुम्हारे कजन से? सिर्फ बड़ी बदकिस्मत हो तुम, ना मोहब्बत मिली, ना भरोसा और ना ही कदर। और आपको मैं बताया नहीं तुम क्यों आए हो यहाँ पे? क्या हो गया यार, थोड़ा सा तो लिहाज करो हम जुल्फ़ तुम्हारा है? नहीं, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम यास्मीन को तलाक दे चुके हो। यही बताने के लिए आया हूँ कि तलाक वाला कुछ नहीं हुई है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। शौकत बेवकूफ बना रहे हो मुझे। भाई मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में तुम्हें बताने आया हूँ, हाथ हो गया तुम्हारे साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि तलाक वाला कुछ नहीं हुई है, ये सब कुछ तुम पर प्रेशर बनाने के लिए किया गया था। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि अस्मा उसके अब्बा झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई, इस चक्कर में बाबा सचमुच में निकल लिए। लेकिन अब क्या फायदा, जो काम होना था वो तो हो चुका, रिश्तेदारी कायम हो चुकी, अब पल्ला कैसे झाड़ोगे हैं? देखो शौकत, सीधी सी बात है, तुम जो भी यहाँ कहने आए हो सच या झूठ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। मैंने भी ये कहा था भाई कि मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। अब तुम एक बात मुझे बताओ, जो औरत आपके साथ रहना नहीं चाहती उसके साथ आप कैसे रह सकते? यास्मीन ने कहा मुझे तलाक दे दो, मैंने कहा मैं तलाक दे दूंगा, मेरा नुकसान पूरा कर दो। पता है क्या कहती है? मेरा बहनोई बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारा नुकसान पूरा कर देगा। मैं कैसा नुकसान है और मैं क्यों? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना इससे। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन औरतों को कौन समझाए? अमीर बहनोई मिल गया है, पूरे शहर में बड़बड़ाती फिर रही है कि हमारा बहनोई बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। उनकी तो लॉटरी लग गई है भाई। मैंने कहा मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मैं तलाक लिख के दे देता हूँ। जानते हो ना तुम बहुत वाहियात आदमी। नहीं नहीं नहीं, मैं वाहियात नहीं, असली वाहियात आदमी तो तुमने अभी देखा नहीं है। आदिल को जानते हो ना, वो है असल वाहियात आदमी। दूसरों की बीवियों को ऐसे फंसाता है सोच है तुम्हारी। और ये दोनों है ना, यास्मीन और आसमा, ये भी इसी के चक्कर में है। क्या हो गया भाई, मिर्चें क्यों लग रही है? मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। एक मिनट भाईजन अफसरी मत झाड़े, जा रहा हूँ।
भी मेरी बातों पे गौर करना, सोच लेना। अल्लाह हाफिज। जल्दी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, चलने फिरने रखूंगा, फिर बहुत पछताओगी तुम कि कितना बड़ा गोल्डन चांस मिस कर दिया तुमने। फिर ना ये दौलत रहेगी और ना इस दौलत का असली मालिक। लात मार के तुम्हें और तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड से बाहर फेंक दूंगा। ना मुझे आपसे कोई लालच है ना ही कोई डर, तो ये धमकियां मत दिया करें मुझे। How dare you? How dare you talk to me like this? एक एक बात रुमान को बताऊंगी मैं। I give a damn! कौन? अस्मा! अस्मा, अस्मा, मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज, तुम रोमान से कुछ नहीं करोगे। अंदाजा है आपको, अंदाजा है आपको कि आप क्या कह रही हैं? है मुझे अंदाजा है, मगर मैंने ये सब कुछ बहुत मुश्किलें काट के, बहुत मुश्किलों से जोड़ के रखा है सारी जिंदगी। अगर तुमने रोमान को सब कुछ बता दिया तो दोनों भाई लड़ पड़ेंगे आपस में। सब बताऊंगी मैं रोमान को। अब आप नहीं रोक सकती मुझे। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई।